थाने के सामने हुआ था मारपीट। पीड़ित की मौत पर नेशनल हाईवे पर 3 घंटा चक्का जाम। नगर पंचायत बोदरी वार्ड क्रमांक 3 नया पाड़ा निवासी अशोक दास मणिकपुरी, पिता गणेश दास मणिकपुरी उम्र 45 वर्ष, पोहा मिल में रोजी मजदूरी का काम करता था। जो रोज की तरह अशोक दास मणिकपुरी रविवार को काम पर गया था और काम पूरा कर शाम को घर लौट आया और रात 7:30 बजे अपने दोस्त विनोद साहू के साथ नया पाड़ा के तालाब के पास बैठने गया था। तभी तालाब में कुछ युवकों से उसका वाद विवाद हो गया। जानकारी के मुताबिक वहां पर युवकों ने उसे देख लेने की बात कही। उसके बाद पीड़ित अशोक दास मणिकपुरी मंदिर तालाब में पचड़ी के पास अपने दोस्त विनोद साहू के साथ रात 10 बजे तक बातचीत करते बैठा था। तभी वहां पर पीछे से लगभग 10 से 12 अज्ञात युवक हाथ में लाठी लिए आए और पीछे से अशोक दास मणिकपुरी और विनोद साहू के ऊपर लाठियों से लगातार वार किया, जिसकी मार से दोनों बेहोश हो गए। तब अज्ञात युवकों ने अशोक दास मणिकपुरी को अधमरा कर उसे तालाब के पास स्थित संतोषी मंदिर के बाजू के नाली में फेंक दिया था। तब सूचना मिलने पर 112 को डायल कर पीड़ित को सिम्स भेजा गया था। मामले पर चकरभाटा थाना द्वारा आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर जांच की जा रही है, जिसके बाद उसे महादेव हॉस्पिटल रेफर किया गया था, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसको लेकर मंगलवार को पीड़ित परिवार द्वारा 3 घंटे तक रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे चकरभाटा थाना के सामने चक्का जाम किया गया। 3 घंटा चक्का जाम होने के बाद एसपी सीएसपी पीड़ित परिवार को समझाइश दिया एवं शासन प्रशासन द्वारा अनुबंधित मुआवजा राशि परिवार को दिया जाएगा का आश्वासन दिया गया। चक्का जाम को हटाने के लिए एवं पीड़ित परिवार को समझाइश देने के लिए 3 पुलिस थानों से सिरगिट्टी हिर्री चकरभाटा पुलिस पीड़ित परिवार को समझाए। मृतक के परिवार में 3 लड़की एवं 1 लड़का एवं पत्नी है, जिसके पालन पोषण की जिम्मेदारी मृतक की पत्नी के सर पर आ गई है एवं मृतक के द्वारा घर को गिरवी रखकर 3 लाख का कर्ज लिया हुआ था, जिसके नहीं रहने पर परिवार में समस्या पड़ी है। पुलिस द्वारा पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि एवं अपराधियों को पकड़ने की शक्ति से जरूरत है। चकरभाटा नयापाड़ा तालाब में आए दिन कुछ न कुछ दुर्घटना आपराधिक कांड होते ही रहते हैं। पीड़ित परिवार द्वारा प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाए एवं प्रशासन द्वारा मुआवजा दिया जाए। बताइए अपना नाम बताइए। मैं इतवारी दास मणिकपुरी, उसका छोटा भाई। अच्छा अच्छा। मेरे भाई को जान से मार के नाली में फेंक दिए हैं और आरोपी फारी है। क्या जाम लगाए हुए हैं? क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? क्या मांग कर रहे हैं? क्यों जाम लगाया है? हम ये जाम लगाए हैं, न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। और मेरा भाई जहाँ भर्ती था वहाँ का जितना बिल और जो मरा है उसका मेरे को मुआवजा चाहिए। बहुत सुंदर। बिलासपुर से जितेंद्र भास्कर, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।